Hi everybody, namaskar. So from this very series we are going to start with the revision portion of Indian polity, and by revision I mean कि हम लोग पूरे पॉलिटी के सीरीज को जो हमने अभी तक कवर किया है, जो हम आगे कवर करेंगे, उस पूरी सीरीज को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवाइज करते चलेंगे. बिकॉज आई बिलीव रिवीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट जो स्टेप होता है वो आपके एमसीक्यू से होता है. सो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू एनालाइज एंड द मोर यू मेमोराइज. ऑलराइट, तो अभी ये 25 क्वेश्चंस का एक वीडियो है. इसके बाद जो सीरीज आती रहेगी वो लाइव सेशंस में आएगी. सो एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे वो आपको नोटिफाई किया जाएगा. हम लोग लाइव आएंगे और लाइव हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. राइट, सो फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू इज हर क्वेश्चन को रीड करते टाइम आप वीडियो को पॉज करिए. टेक अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज डिमांडिंग. ठीक है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और उसके बाद आप ऑप्शन पे आइए. फिर आप वीडियो को प्ले करके उसकी एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए और समझ लीजिए. राइट, तो चलिए लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन सेज इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इकोनॉमिक जस्टिस बीइंग वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में प्रोवाइड किया गया है. प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड रीड द ऑप्शंस, एनालाइज और फिर अपने आंसर पे आइएगा और फिर वीडियो प्ले करके आप एक्सप्लेनेशन पे जाइएगा. ठीक है, तो इसका आंसर है इकोनॉमिक जस्टिस. पहले हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं. तो जस्टिस जो वर्ड है, जस्टिस is a word which has been very clearly mentioned in preamble, right? तो preamble में justice word को बहुत clearly mention किया गया है, and it embraces three distinct forms. It embraces three distinct forms of justice. तो three distinct forms क्या हुए? Social, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. तो प्रियम्बल में जो तीन डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ जस्टिस मेंशन्ड है वो है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है, सो प्रियम्बल पहला तो हमारा आंसर हो गया कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात प्रियम्बल कर रहा है. तो प्रियम्बल वाले ऑप्शंस पे अगर हम आए, नन ऑफ द अबव कैंसिल हो जाता है. फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज ये भी कैंसिल हो जाता है बिकॉज हमारे ऑप्शन में हमें प्रियम्बल चाहिए. तो अमंग वन एंड अमंग ए एंड बी वी आर गोइंग टू हैव अवर आंसर. नेक्स्ट जो पार्ट है अब फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी. तो आई होप वी रिमेंबर दिस पोर्शन ऑफ डीपीएसपी जहां पे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर. तो डीपीएसपी जब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात जब कैटेगराइज हुआ है डीपीएसपी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, वहां पे क्लियरली स्टेट किया गया है कि टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permeated by justice, social, economic and political to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities under Article 38. So Article 38, it comes under directive principles of state policies or socialistic principles mein aata hai. Isliye hamara answer B hota hai, right? So preamble very well talks about economic justice and directive principles as well talks about the economic justice under Article 38. So answer for question A, for question number 1 is B. Next question is, which of the following are regarded as the main features of rule of law? So rule of law ka in sare options mein, in char options mein, kaun se features rule of law ke andar aate hain? Pause the video. Read the question, think about the statements and then mark your answer. Right, so see basically jo rule of law hai, rule of law
किसका एलिमेंट है. तो रूल ऑफ लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना. तो जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, इट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी. ये भी याद रखने की जरूरत है, कई बार एक्सट्रीम फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक से. तो ये भी याद रखना है कि इट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय एवी डाइसी, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि रूल ऑफ लॉ जो कि आर्टिकल 14 के अंदर में आता है, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ विच इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट हैज बीन रिगार्डेड एज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसको अमेंड नहीं किया जा सकता. अच्छा चलिए, तो इट कांट बी अमेंडेड, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी वे, राइट. अब स्टेटमेंट्स पे आते हैं, एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे. वी वेरी वेल नो कि जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिमिटेशन ऑफ पावर्स की बात बहुत क्लियरली की गई है. लिमिटेशन ऑफ पावर्स, बाय सेइंग दिस आई मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज, है ना. और मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इज थ्रू फंडामेंटल राइट्स. तो स्टेट्स को क्लियरली मेंशनड है कि उनकी पावर कितनी लिमिटेड है और वो कहां तक अपनी पावर को पोजेस कर सकते हैं. एंड नो गवर्नमेंट कैन बी एवर अलाउड टू वॉयलेट सच प्रोविजन, टू वॉयलेट सच पावर्स, राइट. तो यस, रूल ऑफ लॉ के अंदर में, बेसिक फीचर के अंदर में स्टेटमेंट वन वेरी वेल, वेरी क्लियरली मेंशनड है, विच इज लिमिटेशन ऑफ पावर्स, राइट. सेकेंड पॉइंट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ इन फ्रंट ऑफ ऑल द सिटीजन डिस्पाइट ऑफ स्टेटस, कास्ट, क्लास, जेंडर, वट एवर बी द केस. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन के सामने इक्वल प्रोजेक्शन ऑफ लॉ किया जाएगा. उनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लॉ प्रोजेक्शन में नहीं देखा जाएगा, या फॉर दैट मैटर किसी भी फैक्टर पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. Equal projection of laws in front of every citizen of country. So by equality before law, we mean this, hai na? Rich or poor, high or low, official, non-official, to the ordinary law of land administered by the ordinary law courts. So law doesn't recognize any individual on the basis of caste, class, sex or whatever be the factor, hai na? In the eyes of law, every citizen is equal and laws should equally be projected. So yes, again, statement 2 bhi sahi hai. Ab eliminate karte chaliye, 1 or 2 sahi hai. So B hamara saaf saaf eliminate ho jata hai. We have left with A, C and D. C pe chalte hai. C kya keh raha hai? Third kya keh raha hai? People's responsibility to the government. People's responsibility to the government. Ye kuch ulta lag raha hai. It should be government's responsibility towards people, hai na? Government is responsible to the people or all citizen and not vice versa. So government ki responsibility hai logon ke taraf, na ki logon ki responsibility hai. So third statement is wrong, yahi se eliminate kariye. Third yahan galat hai aur third yahan galat hai. We have our answer, which is C. Still fourth statement dekh lete hai. Liberty and civil rights. So rule of law is to safeguard and advance political and civil right of the individual. We clearly know ki yes, rule of law se liberty bhi hogi aur civil rights ko bhi procure kiya jayega citizens ke liye. So we have our answer. C answer hai. Yahan pe statement 3 wrong hai. People's responsibility to the government nahi hoga. Government is responsible towards the people. Next question is based upon the topic of AGI. ठीक है, Article 76 के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, AGI के बारे में. तो let's first read the question. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers. Extreme words in the statement.
only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India. It's a very extreme statement here, जहाँ पे ये बात की जा रही है कि AGI and Solicitor General as well. पहली बात, AGI तो allowed है Parliament की meetings में आने के लिए, and it has been mentioned under Article 76. Right? So, Attorney General of India, who is appointed by the President of India, under Article 76, it has been clearly mentioned ki he has a right to take part in the proceedings of the government without the right to vote. So, he doesn't have any right to vote. Inko meetings mein vote karne ka adhikar nahi hai. However, he can attend those meetings. It is clearly mentioned under Article 76. Solicitor General of India don't have any such right. तो Solicitor General के पास ऐसी कोई right नहीं है, इसलिए पूछा है correct statement के बारे में, one गलत हो गया और both गलत हो गया. अब B और D के बीच में देखना है कि हमारा answer क्या निकल के आता है. Second statement, let's read the second statement. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when government which appointed him resigns. ऐसा नहीं होता है. We very well know Article 76 में appointment और इसकी बात की गई है. तो he shall hold office during the pleasure of President. ये clearly mentioned है यहाँ पे कि he holds office during the pleasure of President. तो President इनका appointment करते हैं और इनका जो appointment का tenure है वो वैसे pleasure of President के ऊपर है. तो this statement again is wrong. यहाँ पे अगर ये बात की जाती कि अगर President resign कर रहे हैं या President जा रहे हैं तब इनको भी ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा. सो अंडर आर्टिकल 76 क्लॉज 4 ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमिन. ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. इनका रिमूवल प्रेसिडेंट कभी भी कर सकते हैं. और सिंस अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कन्वेंशनली ही रिजाइन्स व्हेन काउंसिल इज डिसॉल्व बट इट इज नॉट मैंडेटरी. तो हाँ, कई बार कन्वेंशन के तौर पे जब COM डिसॉल्व होता है तब ये रिजाइन कर सकते हैं, बट हर बार ऐसा मैंडेटरी नहीं है. राइट? तो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है उस समय अगर वो रिजाइन करती है तो इन्हें भी रिजाइन करना होता है. प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये है. अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, रिमूवल भी प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे कर सकते हैं. एंड COM की एडवाइस पे करते हैं तो कन्वेंशन के तौर पे कई बार ये रिजाइन करते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी. यहां हमारा आंसर डी आता है. नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं. आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है. और इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है? USA. तो बिल ऑफ राइट्स USA से फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन लिया गया है. चलिए नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि किन फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है. तो क्लियरली पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स और DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज के. तो अनटचेबिलिटी की बात आर्टिकल 17 में की गई है. राइट? बट वर्ड अनटचेबिलिटी इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए एक बार देख लेते हैं. राइट टू इक्वालिटी जो है, अब 14 आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी आता है. इट मीन्स हमारा आंसर यही होगा.
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट हमें क्लियरली पता होना चाहिए कौन सी राइट किन किन कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं और क्या क्या एक्सप्लेन करती हैं. तो आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी बात करता है और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है. सो 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी बताता है और आर्टिकल 17 विच इज योर abolition of untouchability and forbids its practice in any form. So, enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. But, ये term जो है, ये define नहीं किया गया है constitution में और act में भी कहीं define नहीं किया गया है. Supreme Court held that the right under Article 17 is available against private individual also. Very important point. Private individual के against भी ये right हमें मिली है, citizens को मिली है और ये एक constitutional obligation है state का to take necessary action to ensure that this right is not violated, right? तो ये एक constitutional obligation है, बहुत necessary obligation है कि इस right का violation नहीं होना चाहिए. Supreme Court के ऊपर ये obligation है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सवाल है ये. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे डिराइव किया गया है ये क्वेश्चन. स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं पहले. पहला स्टेटमेंट है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, dual government, double government, dual government by abolishing the board of control and court of directors. Statement B says, it provided that the viceroy should nominate some Indians. Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. And third statement says that it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers of Bombay and Madras presidencies. तो ये तीन statement है, इसको पढ़िए. काफी factual question है ये, इसको याद ही करना पड़ेगा. But again, there's a trick to remember all these acts and provision. एक बार statements को read करिए, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं. Yes. So, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, सो दैट वॉज इनएक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है और इसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को इनएक्ट किया गया और विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपोई म्यूटनी कहा जाता है. एंड दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइट. चलिए स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, हुआ क्या बेसिकली? सो व्हाट हैज दिस एक्ट डन? तो इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश किया गया था और सारी ट्रांस पावर्स जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी. तो कंपनी रूल से चेंज होके क्राउन रूल की तरफ सारी पावर्स आ गई थी, ठीक है. चलिए अब स्टेटमेंट पे चलते हैं. पहला स्टेटमेंट है, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो यस, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म हुआ था और मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सिस्टम खत्म हुआ था और क्राउन रूल पे सिस्टम चला गया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड दैट द वॉइसरॉय should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. तो ऐसा नहीं है. जो Indian Councils Act है 1861 का, वहां ये बात की गई कि Viceroy should nominate some Indians as non-official members. और 1862 में Lord Canning, जो उस समय के Viceroy थे, उन्होंने तीन Indians को nominate किया था. तो Lord Canning nominated three Indians. Lord Canning, who was the then Viceroy, 1861 में he nominated three Indians. He nominated three Indians to the Legislative Council
जो कि थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. ठीक है, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इनको लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में. तो इसलिए स्टेटमेंट टू रॉन्ग है. तो ये जो प्रोविजन है ना स्टेटमेंट टू का, ये किसका है? ये इंडियन काउंसिल एक्ट का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नहीं है. दिस इज ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट. ठीक है, तो इट इज ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. इट इज नॉट द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. तो बी एलिमिनेट हो गया, बी यहां चला गया, स्टेटमेंट टू यहां से गया और यहां से गया. वी हैव वन एंड थ्री ऑप्शंस करेक्ट. अब पहला तो सही है, तीसरे पे आते हैं. इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी. अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया गया था. इंडियन काउंसिल एक्ट से ही डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, जहां पे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर किया गया, उनको उनकी पावर्स वापस दी गई, और इट रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी स्टार्ट हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के टाइम पे, इस प्रोसेस को रिवर्स करके डिसेंट्रलाइजेशन को स्टार्ट किया गया 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट्स के थ्रू. राइट, और दिस रिवर्सल ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को क्लाइमैक्स पे ले जाया गया कब? थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो डिसेंट्रलाइजेशन वॉज एट इट्स क्लाइमैक्स बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833. वहां पे इसको क्लाइमेक्स पे ले जाके छोड़ा गया. इसलिए स्टेटमेंट सी अगेन इज रॉन्ग. तो वी हैव अवर ऑप्शन एज वन ओनली, थ्री भी रॉन्ग है. ठीक है, देखिए काफी फैक्चुअल है, एनालिटिकल भी है. इफ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स की सेंट्रलाइजेशन किन एक्ट्स में किया गया या किस ईयर में किया गया, उससे भी आप काफी ज्यादा गेस कर सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन की जो टेंडेंसी थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम चल रही थी, इस समय नहीं चल रही थी. ठीक है, तो इससे भी काफ़ी एक स्मार्ट गेस किया जा सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का इनिशिएशन हुआ है 1861 में, नॉट बिफोर दैट. 1861 से स्टार्ट किया गया और चार्टर एक्ट तक जाके जो है वो चीज़ें ख़त्म हुई थी. दिस इज हाउ. अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं एनालिटिकल, इनमें कुछ नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी याद रखने की जरूरत है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. फैक्चुअल सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है. 97th अमेंडमेंट एक्ट से किस प्रिंसिपल को DPSPs में ऐड किया गया है? ठीक है, तो पहले तो ये याद रख लीजिए कि 97th अमेंडमेंट से हम कौन कौन से प्रोविजंस लेके आए हैं. पहला है इट अमेंडेड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी. 97th अमेंडमेंट के की बात हो रही है. क्लॉज 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी को अमेंड किया था 97th अमेंडमेंट में. इंसर्शन हुआ है आफ्टर द वर्ड्स और यूनियंस द वर्ड्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया यहां पे. यूनियंस, एसोसिएशन फॉर्मेशन वर्किंग और इन सब पे जो आर्टिकल 19 की बात है, एक्सप्रेशन की बात है, वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया. अनदर प्रोविजन दिस अमेंडमेंट ब्रॉट इज इट इंसर्टेड आर्टिकल 43B इन पार्ट 4. आर्टिकल 43B को पार्ट 4 में इंसर्ट किया गया
थ्रू 97th अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे क्या हुआ, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। एंड अनदर प्रोविजन जो इंसर्ट हुआ वो है पार्ट 9A के बाद पार्ट 9B को ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट से, जहां पे एक्सटेंड हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आर्टिकल 243ZH, आर्टिकल 243ZH से लेके ZT तक, राइट। तो ऑल इन ऑल अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट एक्ट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 90 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी को अमेंड हुआ है, आर्टिकल 43B को अमेंड किया गया है और पार्ट 9B को अमेंड किया गया है। इन एवरी अमेंडमेंट इन एवरी इंसर्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। फैक्चुअल क्वेश्चन, याद माइंड बी वंडरिंग इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, why are we dealing this question in so much detail, why are we talking about 97th amendment act in so much detail, because in 2021 there was an article जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की बात की गई थी। तो जो नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी है जिसको अमित शाह हेड करते हैं, एंड विद एन एम टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री, उस पे एक आर्टिकल आया था। इसलिए ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट आई थॉट कि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट्स वाई वी आर डीलिंग विद इट इन करंट अफेयर्स, इसलिए हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात किया है 97th अमेंडमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाय द अबव स्टेटमेंट। तो राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई है। अगर हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता है, फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली एनालाइज किया है और याद किया है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, लोअर हैंगिंग फ्रूट्स हैं, केक वॉक हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। राइट टू प्रिवेसी, अच्छा एक सवाल और था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 2019 में था या 2018 में था, कि राइट टू प्रिवेसी किस आर्टिकल के अंदर में आएगा, क्योंकि ये राइट टू लाइफ का एक इंट्रिंसिक पार्ट है, तो ये आर्टिकल 21 में आएगा। ये सवाल था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। राइट टू प्रिवेसी इसी लाइन पे ये सवाल भी है, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज an intrinsic part of right to life and personal liberty and correctly and appropriately constitution ka kaun sa part imply kar raha hai ye, to very obvious part 3 right to life article 21 and freedoms guaranteed in part 3, right। अच्छा, right to privacy को fundamental right केस पुट्टास्वामी केस में डिक्लेयर किया गया था इन the year of 2017, 5 साल हो गए। तो ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हमने जान लिया, यहीं पे रिवीजन भी हो गया कि राइट टू प्रिवेसी राइट टू लाइफ का पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, और राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया गया है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विच वॉज हेल्ड इन 2017, राइट। ईजी क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन है बट ईजी है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज यूनाइटेड नेशंस हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड दैट एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट हैज द राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर डिक्लेयर्ड By UN as universal human rights। तो universal human rights के बारे में बात हो रही है, कौन से rights declared हैं as human rights, let's have a look। So, this was an this is related to the current affairs पे था ये, कि historic move है, UN ने declare किया है healthy environment human rights के बारे में। चलिए एक एक करके statement को पढ़िए, right to life and security of a person, duty to your community,
freedom from discrimination, right to a free and fair world. So, क्या था news में? United Nation ने एक historic resolution दिया है जहां पर उन्होंने ये declare किया कि every person on planet has the right to live in a clean, healthy environment. And principle of UDHR की basically बात हो रही है. ठीक है, ये हमने कई बार बात भी करी है इसके बारे में. प्रिंसिपल ऑफ UDHR के बारे में बात की जा रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जा रही है. एंड दिस राइट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ UDHR 1948 एंड द डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय ओवर 160 UN मेंबर्स जिसका इंडिया भी एक पार्ट है. इसलिए ये न्यूज में था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है ये. और अगेन लीगली बाइंडिंग नहीं है. तो अच्छा, एक चीज और है, अ वेरी स्मार्ट वे टू रीड एनी सच टॉपिक जो कि न्यूज में था और प्रोबेबल क्वेश्चन बनने के कगार पे है अगर वो टॉपिक, तो व्हाट यू शुड लर्न, बेसिकली आपको पढ़ना क्या है उस टॉपिक से, इंडिया पार्ट है या नहीं, इम्पॉर्टेंट, लीगली बाइंडिंग है या नहीं, और कौन सी मेगा कंट्रीज या कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो उस पार्ट का, उस फॉर्मेलिटी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस प्रोग्राम का पार्ट है या नहीं. तो इंडिया पार्ट है इसका, 160 यूएन मेंबर्स हैं पार्ट इंक्लूडिंग इंडिया, एंड इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, राइट. देर आर 30 आर्टिकल्स ऑफ द राइट्स अंडर UDHR, under Universal Declaration of Human Rights. It includes Article 3, जहां पे right to life की बात की गई है. Everyone has the right to life, liberty and security of a person. So statement 1 is correct. अच्छा, ये Article 3 UDHR का है, Indian Constitution का नहीं है. क्लियर रहिएगा इस चीज को लेके. सेकेंड इज ड्यूटी टू योर कम्युनिटी. दिस इज ऑल्सो मैंशनड अंडर आर्टिकल 29 ऑफ UDHR, जहां पे ये कहा गया है कि एवरी वन हैज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज पॉसिबल. सो येस, स्टेटमेंट 2 इज अगेन करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट की बात जो है वो आर्टिकल 2 में मैंशनड है, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the declaration without distinction of any kind such as race, color, sex, caste, etc. etc. So 1, 2, 3 ho hi gaya. 1, 2, 3 ho gaya, to A eliminate ho gaya, C eliminate ho gaya. Ab B aur D mein baat bachi hai. To jo chautha statement hai, which is talking about right to free and fair world, ye mentioned hai article 28 mein. To सारे स्टेटमेंट सही हैं एंड स्टेट आंसर इज योर डी, राइट. तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, UDHR वैसे तो इतने डीपली हम नहीं पढ़ते हैं, कभी इनके आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, बट क्योंकि दिस वॉज इन न्यूज इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो लिबर्टी को लेके सवाल है, लिबर्टी ऑफ व्हाट इज मेंशनड एंड व्हाट इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल. लेट्स हैव अ लुक. पहला स्टेटमेंट है लिबर्टी ऑफ थॉट, सेकंड है इकोनॉमिक लिबर्टी, थर्ड है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, एंड फोर्थ है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, राइट. तो सी, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन by the term liberty? It means absence of restraints. It means absence of restraints. किसी भी तरीके का activities पे restrain, thoughts पे restrain. ठीक है, if you restrain on the activity of individual and at the same time provide opportunity for the development of individual personality. So absence होना चाहिए. Liberty का मतलब यही है कि आप restraints को absence करके you are providing various opportunities for the overall development of an individual, right? We mean this when we see liberty as a concept. और preamble में liberty को जिस तरीके से elaborate किया है, it is very essential for the successful functioning of the Indian democratic system, and it does not mean license. It does not mean license to an individual कि उनका जो मन वो करे, ऐसा भी नहीं है. Liberty का मतलब आपको license नहीं मिल गया कि आप कुछ भी करें,
जो आपको पसंद हो एंड हैज टू बी एंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग द टर्म liberty, if the constitution is providing with the provision of absence of restraint, it is also providing the limitations within which a person has to exercise his liberty, right? So liberty conceived by preamble or fundamental right is not absolute but qualified. यहाँ तक हमें liberty के बारे में समझना है कि जो liberty mentioned है fundamental rights में या प्रियम्बल में वो क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है. चलिए अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड. इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि प्रियम्बल में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ. ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है. तो प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वॉयलेशन. लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल. इकोनॉमिक लिबर्टी एम्बॉडीड नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बी हो गया. लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ faith and worship is what is mentioned in the preamble, right? अगर preamble verbatim याद है, it is very important to memorize ताकि आप ऐसे questions आराम से कर पाएं. This is also a previous year question. चलिए coming on to the next question. If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then स्टेटमेंट नंबर वन, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड. बी सेज पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. सी सेज आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट. एंड डी सेज द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट. आर्टिकल 356 के बारे में सवाल है ये. आर्टिकल 356 डील्स विद द प्रेसिडेंट्स रूल. इट डील्स विद प्रेसिडेंट्स रूल. आर्टिकल 356 हमने अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है. अब इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा है, लेट्स हैव अ लुक. तो बेसिकली 356 के अंडर में प्रेसिडेंट रूल आता है और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है. द प्रेसिडेंट is assumed the powers of state government and the state legislature if he she is satisfied that a situation has arisen in which government of the state can't be carried in accordance with the provisions of the constitution. So if the president is satisfied with the justifications and with the reasons ki kisi bhi state ki machinery constitution ke hisab se nahi chal rahi hai and it has to be taken a control, तो प्रेसिडेंट ये पावर अज्यूम कर सकते हैं. आर्टिकल 356 में क्लियरली मेंशन्ड है. और जब प्रेसिडेंट इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो उस स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है, राइट. इट द असेंबली इज इधर डिसॉल्व और सस्पेंडेड एंड द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर ट्रांसफर्ड टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास फिर पावर्स चली जाती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से पावर्स छिन जाती हैं. द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन 356. एंड अगर इस पावर का इन्वोकेशन किया गया, अगर इन्वोकेशन होता है, इट कैन लीड टू सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट द स्टेट असेंबली विल नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, ट्रांसफर हो जाएगी. और जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, राइट. तो इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन. एंड दिस प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल. तो अगर प्रोक्लेमेशन हो रहा है
2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए, तब प्रोक्लेमेशन होगा, और इस प्रोक्लेमेशन को हटाने के लिए, प्रेसिडेंट रूल को हटाने के लिए फिर से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगेन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे कि प्रेसिडेंट रूल हट चुका है, तो वापस स्टेट अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी, राइट? इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर अब जो सही ऑप्शन बनता है, सी भी एलिमिनेट होता है, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, ऐसा कोई प्रोविजन 356 में मेंशन नहीं है। यस, द पावर इज ट्रांसफर्ड टू द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल टेक्स ओवर द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली या तो डिसॉल्व हो सकती है या सस्पेंड हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए। स्टेटमेंट वन रॉन्ग, स्टेटमेंट सी रॉन्ग, एंड द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट, तो पार्लियामेंट मेक लॉज बेसिकली, नॉट प्रेसिडेंट, इसलिए ऑप्शन बी ज्यादा सही है, क्योंकि द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? प्रेसिडेंट का टॉपिक है, प्रेसिडेंट रूल को हमने बहुत अच्छे से समझा है, उसके ऊपर ये टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा अगर आप सारे ऑप्शंस को क्लियरली ध्यान से पढ़ें। एमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट रूल का टॉपिक था ये। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सिटीजनशिप का टॉपिक है ये। सेकेंड स्टेटमेंट सेज, अ सिटीजन बाय बर्थ कैन बिकम, ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज, अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप cannot be deprived of it under any circumstances, cannot be deprived of it under any circumstances। तीन statements हैं, citizenship के ऊपर सवाल है, ध्यान से देखिए। तो citizenship topic की बात करें अगर, तो article 5 से लेके article 11 constitution में citizenship की बात करता है part 2 के अंदर, but ऐसा कोई परमानेंट या इलैबोरेट प्रोविजन नहीं है इस रिगार्ड में, सिर्फ ये टॉपिक या ये प्रोविजन ये आइडेंटिफाई करता है कि हु आर दी पर्सन्स हु कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, और कहाँ से कब वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, या सिटीजनशिप का कमेंसमेंट कब से देखा जाएगा इंडिया में। जैसे कब से हो रहा है, तो 26 जनवरी 1950, दिस इज वॉट इज मैंशनड इन Part 2 of Indian Constitution under the topic of citizenship, right? It does not deal with problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement. It empowers Parliament to enact a law to provide for such matters and any other matter relating to citizenship accordingly. इसी के तहत Parliament ने Citizenship Act of 1955 को enact किया था. Citizenship Act of 1955. हमारा पूरा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसी एक्ट के ऊपर बेस्ड है। हाउएवर इस एक्ट को टाइम टू टाइम अमेंड भी किया गया है। चलिए अब स्टेटमेंट पे आते हैं, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। सी, वी वेरी वेल नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल सिस्टम, it's a federal system, we know this, and it envisages a dual polity. Dual polity ka matlab center aur state level pe, theek hai? It provides for only a single citizenship, matlab sirf ek Indian citizenship hai. Hum aisa nahi bolte na ki यूपी की सिटीजनशिप है, गुजरात की सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है, तो यस, ओनली वन सिटीजनशिप इज व्हाट इज प्रोमिनेंट यहाँ पे इंडिया में। सिटीजन इन इंडिया ओ एलिजेंस ओनली टू द यूनियन, कोई सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं है। बाकी जो फेडरल स्टेट्स हैं जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे जो है डबल सिटीजनशिप का सिस्टम है, इंडिया में नहीं है। चलिए, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, बी गया, डी गया, ए और सी में देखना है। सेकंड स्टेटमेंट वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बट देख लेते हैं, अ सिटीजनशिप, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है।
in India, both a citizen by birth and by naturalization can be the eligibility, can be eligible for office of president, while in USA, ये जो provision है ये USA में है, by birth only allowed है head of the state बनने के लिए, right? So statement two is not correct. Third statement, a foreigner once granted citizenship can't be deprived of it under any circumstances. तो तीन तरीके से आप अपनी citizenship को खोते हैं. Citizenship Act of 1955 describes three ways through which you can lose your citizenship: via acquired under the Act or prior to it under the Constitution. वो तरीके हैं renunciation, termination and deprivation. तीन तरीके mentioned हैं. ऐसा कोई provision नहीं है कि कोई foreigner अगर citizenship grant कर लेता है तो वो lose नहीं कर सकता. Third is again wrong. Option is A. ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005. सेकेंड स्टेटमेंट सेज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट. जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर सवाल है ये. देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है इट पर्टेन्स टू प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन हु आर फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ इन इंडिया. तो इट ऑल्सो गिव्स प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. तो ऐसे बच्चे हु आर जुवेनाइल, 17 साल की उम्र जिनकी नहीं हुई है, और उन वो अगर किसी लीगल इनलीगल प्रोविजन के अंदर में आ जाते हैं, इफ दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ ऑफ इंडिया, तब उसके लिए हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पर्टेन किया है, प्रोविजन उसी के लिए आए हैं. तो देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जिसको कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में बनाया गया था. तो ये जो बोर्ड है ना, ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसको 2005 में नहीं, 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015. निर्भया केस के बाद ही इस बोर्ड की का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है. सेकंड स्टेटमेंट है, अच्छा ये क्या है, तो वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स कैन बी एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट. तो पहला तो सवाल गलत ही हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. सेकेंड स्टेटमेंट इज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज हेडेड बाय जुडिशियल, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कंसर्न स्टेट. तो नहीं, इट इज हेडेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास. तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉट चीफ जस्टिस, judicial magistrate of the first class and not by a chief justice, consists of two social workers, इनमें भी one of them, minimum one जो है वो women होनी चाहिए, ठीक है, one should be women. तो ये है इस board का constitution. judicial magistrate इसको head करते हैं इस board को, plus two other social workers, जहां पे minimum one women होनी चाहिए. दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं. करेक्ट पूछा है, नीदर वन नॉर टू. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर एंड इन स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 15% of the total number of members in Lok Sabha and total numbers of the Legislative Assembly of that state respectively. We very well know ki Council of Ministers ka jo size hai, jo number hai, that must not exceed 15% of the total members present in the Lok Sabha ya State Assembly. To ye kis Amendment Act se aaya hai, ye pooch raha hai. 91st Amendment Act se ye aaya hai. Bahut factual hai aur important hai, ye to bilkul yaad hona chahiye. 91st अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ है,
इंसर्टेड क्लॉज 1A इन आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में 1A को इंसर्ट किया था, जहां पे ये बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट. इट ऑल्सो इंसर्टेड क्लॉज 1A इन आर्टिकल 75, जहां पे अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है आर्टिकल 75 में, तो इसमें भी क्लॉज 1A आया जहां पे ये बात की गई कि लोकसभा में COM की जो स्ट्रेंथ है वो 15% ज्यादा नहीं हो सकती. पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट जंबो कैबिनेट्स, है ना. पर्पस अगर हम पूछें टू प्रिवेंट जंबो कैबिनेट्स एंड रिजल्टेंट ड्रेन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर. तो अननेसेसरी हम जंबो कैबिनेट्स बनाए और एक्सचेकर पे हम स्ट्रेन पड़े लगाए. दैट वॉज द रीजन. वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सवाल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का सवाल है ये. सो सवाल है, स्टेटमेंट्स को पढ़िए. इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. सेकेंड स्टेटमेंट, इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट. थर्ड स्टेटमेंट, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट. एंड फोर्थ इज, इट अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया. क्या है प्रोविजन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की? सी, उस समय ये तो पता ही होगा सबको कि लॉर्ड माउंट बैटन ही वॉज द लास्ट वॉइसरॉय, और इस समय पे यही लॉर्ड माउंट बैटन वॉज द लास्ट वॉइसरॉय हु पुट फॉर्थ द पार्टिसिपेशन प्लान, जिसको माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है. और इस प्लान को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था. एंड इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान बाय इनएक्टिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. अब प्रोविजन्स की बात करें तो येस, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड creation of two independent dominions of India and Pakistan. So statement one is correct. Statement two is also correct because it ended British rule in India and declared India as an independent and sovereign state. Statement two is also correct. Statement three is also correct as it granted freedom to the Indian प्रिंसली स्टेट. तो बेसिकली हुआ क्या, इंडियन प्रिंसली स्टेट से ये कहा गया कि यू शुड इधर जॉइन द डोमिनियन और डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान. तो प्रिंसली स्टेट्स का सिस्टम खत्म हुआ और या तो आप डोमिनियन स्टेट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करिए या पाकिस्तान को ज्वाइन करिए. तो प्रिंसली स्टेट का जो सिस्टम था दैट वॉज ग्रांटेड फ्रीडम. सो येस. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस वॉज एनएक्टेड एज इट अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इसलिए स्टेटमेंट फोर गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही है. सो 1, 2 एंड 3 ओनली ये करेक्ट है. ठीक है, तो चलिए, दिस वॉज द क्वेश्चन, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. स्टेटमेंट वन सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. स्टेटमेंट टू सेज prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health. तो ये दोनों पढ़ के याद तो आ ही गया होगा कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं तो mentioned है, but DPSP में क्या mentioned है वो ये सवाल पूछ रहा है.
DPSP की बात करें तो इट डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनएक्टिंग लॉज. कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस कह लें, रिकमेंडेशंस कह लें स्टेट को इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, राइट. तो ये था DPSP का बेसिक. सब सवाल पे आते हैं. जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट करेक्ट. व्हाई इट इज़ नॉट करेक्ट? बिकॉज ये आर्टिकल 23 है जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है ना. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन DPSP, इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज फंडामेंटल राइट्स. सेकंड स्टेटमेंट हाउएवर इज अ पार्ट ऑफ DPSP. आर्टिकल 47 का ये पार्ट है और ये DPSP का प्रोविजन भी है, राइट. तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है तो ओनली टू, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनश्राइंड इन विच पार्ट? कहाँ पे? प्रियम्बल में है, DPSP में है, फंडामेंटल राइट में है या 7th शेड्यूल में है, कहाँ पे? तो वेलफेयर कॉन्सेप्ट, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट वेयर स्टेट प्लेज अ की रोल इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स. वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये हमारा वेलफेयर सोसाइटी का मतलब हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है. तो DPSP में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स को दिया गया है और वेलफेयर स्टेट बनाने की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही की गई है. दे एम्बॉडी अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट. दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड. तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, राइट. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 या 21 का. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है. लोग बहुत गलत कर जाते हैं, लोग फंडामेंटल राइट या प्रियम्बल को टिक मार्क करके आए थे, बट DPSP सही आंसर है. 17th क्वेश्चन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन. प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है. तो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रोविजन मेड इन. ये जो तीन वर्ड्स यहाँ इस सवाल में पूछे गए हैं, सोवेरिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इस पूरे सेंटेंस में टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेरिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इससे सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि प्रियम्बल में ये तीन वर्ड्स मैंशनड हैं और प्रियम्बल सही आंसर होगा. हाउएवर, प्रियम्बल इज अ रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर टू दिस स्टेटमेंट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. प्रियम्बल में ये तीन वर्ड्स मेंशन्ड हैं, नो डाउट अबाउट दैट, राइट. प्रियम्बल फाइंड्स द मेंशन ऑफ द वर्ड्स सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, बट इफ यू ट्राई टू फोकस ऑन the complete sentence which says to uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, it is a provision which is mentioned under article 51A jo ki fundamental duties ko describe karta hai, isliye fundamental duties is the correct answer, theek hai. Answer the following statements with reference to the constitutional 86th Amendment Act of 2002. Amendment Act of 2002, सबके दिमाग में immediately ये note आना चाहिए कि what exactly was 86th Amendment Act of 2002. This amendment is a major milestone in the country's aim for education for all. तो education for all achieve करने का एक major milestone इस amendment के द्वारा लाया गया था. Government described
this step as the dawn of second revolution in the chapter of citizens' right. ठीक है, तो coming on to the statements, on the recommendation of Tapas Majumdar Committee, Article 21A, elementary education was inserted in fundamental right. So yes, this statement is correct. Second statement, अच्छा first statement पे अगर हम जाएं, तो ये जो तपस मजुमदार कमिटी है इसको 1999 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. लुक इनटू द फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग द 83rd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1997 सीकिंग टू मेक द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. Right, so yes, this statement is correct. Second statement is a new article 21A was inserted which made right to education a fundamental right for the children in the age group of 6 to 14 years. I'm sorry, yes, this statement is also correct. 21A isi ki baat karta hai, makes only elementary education a fundamental right. Ye bhi yaad rakhne ki zarurat hai, not higher or professional education. थर्ड स्टेटमेंट पे आए तो इट द एक्ट अमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज अलोंग विद फंडामेंटल राइट. तो यस, दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी की बात करता है, जहां पे एक लाइन मेंशन की गई, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स. राइट, और फंडामेंटल ड्यूटी में एक 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, जहां पे ये कहा गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, बी इज योर करेक्ट आंसर 1, 2 and 3. राइट, फैक्चुअल एंड एनालिटिकल है, इंपॉर्टेंट है. तपस मजुमदार कमिटी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोग याद नहीं रखते हैं बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम या द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या वॉयलेट कर रहा है, कौन सा प्रोविजन, राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर. सी, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल्स अ लार्ज शेयर ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज लीविंग द अदर कॉन्सेंट्रेशन, लीविंग द मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी डिप्राइव्ड ऑफ द वेल्थ. राइट, सो दिस कैन लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस कैन लीड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो लीडिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39. आर्टिकल 39 अगर आप ध्यान दें, इट स्टेट्स की द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट. इसलिए डीपीएसपी करेक्ट है एज इट इज इस वर्ड को, इन इस फ्रेज को मैंशन किया गया है डीपीएसपी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन्स ऑफ UDHR, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, कौन कौन सा प्रोविजन फंडामेंटल राइट के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल ऑफ UDHR की बात करता है. ऑप्शन वन इज प्रियम्बल, ऑप्शन टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, थोड़ी देर पहले एक सवाल में हमने समझा कि
UDHR एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन है, 1948 में बनाया गया, 160 UN मेंबर्स हैं, इंडिया भी पार्ट है और लीगली बाइंडिंग नहीं है. और UDHR के 30 आर्टिकल्स हैं, 30 आर्टिकल्स हैं जो कि एक वाइड रेंज ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को प्रोक्योर करते हैं, इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क इन एजुकेशन, राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट. एंड UDHR has been widely accepted, it has been widely ratified by many nations in the across the world and serves as a common standard of humanity. So besides fundamental right, DPSP preamble and duties mein se kaun se provisions reflect karte hain? To teenon karte hain. Ab kaise karte hain? Iska answer डी है, 1, 2 and 3. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 3 ऑफ UDHR, आर्टिकल 3 ऑफ UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वहां पे क्लियरली स्टेट किया गया है कि एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन. ठीक है, प्रीएम्बल की बात करें तो इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल and unity and integrity. Article 22 जो UDHR का है वो social, economic, cultural rights की बात करता है that are indispensable for human dignity and development of human personality. Similar concept are also present in DPSPs. ठीक है, Article 29 जो है वो mention करता है duties के बारे में. तो Article 29 ड्यूटीज को मेंशन करता है, आर्टिकल 22 डीपीएसपीज को जो कि इक्वालिटी की बात करता है, प्रीएम्बल में इक्वालिटी की बात की गई है. ठीक है, तो इसलिए आंसर डी हो गया, तीनों प्रोविजंस हैं जो कि UDHR की बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज या नाइन्थ शेड्यूल. तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहाँ पे मेंशन्ड है? डीपीएसपी में मेंशन्ड है, इट्स वेरी क्लियर. जहां पे आर्टिकल 51 में इट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, to foster respect for international law and treaty obligations and to encourage settlement of international dispute by arbitration. Basically, preamble में to secure justice, equality, liberty की बात की गई है, इसलिए preamble cut out हो गया. Fundamental duties में moral responsibilities की बात की गई है, जो citizens के moral responsibilities हैं. और ninth schedule talks about the list of central and state laws which cannot be challenged in court. तो डीपीएसपी इज द करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर, जहां पर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात की गई है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. एम्स टू फॉलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy enunciated in part 4 of the constitution of India. So yes, the act aims to follow DPSP in part 4 of constitution of India. The law by providing right to work is consistent with article 41 jo ki DPSP ka part hai. So statement 1 is correct. And 40 mandates the state to organize village panchayats. ठीक है, तो statement 1 is correct. Statement 2, MG Narega, earlier known as Narega, is a rural employment guarantee and social security scheme that aims to guarantee the right to work. Again, the statement is correct. Yes, MG Narega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, जो कि 2005 में आया, earlier known as National Rural Employment Guarantee Act, is an Indian labor law and social security measure that aims to guarantee right to work. Statement 2 is also correct. Statement 3 ki baat kare, wages must be paid according to
the statutory minimum wages specified for agricultural labors in the state under Minimum Wages Act 1948. So yes, this is also correct. Answer is D. ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट के साथ ही आपका किया जाएगा. देर वॉज अ क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का सवाल है. देर वॉज एन आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल जहाँ पे ये बात की गई कि ग्रोइंग रिलायंस ऑन एमजी नरेगा इन रूरल एरियाज, एलिवेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज आर वरिंग सिग्नल्स. दिस वॉज एन आर्टिकल, करंट का टॉपिक है इसलिए सवाल बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसीज superior virtue lies in the fact that it calls into activity intelligence and character of ordinary men and women, the methods for strengthening executive leadership, a superior individual with dynamism and vision, and a band of dedicated party workers. So democracy superior virtue किस फैक्ट में लाई करता है? सी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय ऑर्डिनरी पीपल बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोट. राइट, पहला स्टेटमेंट जो है, जो कह रहा है इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन आर फंडामेंटल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज देयर इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर डिसाइड्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डेमोक्रेसी बाय एक्सरसाइजिंग देयर वोट. हेंस स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, दे आर द फंडामेंटल पिलर्स. राइट, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि वैसे तो आंसर आ ही चुका है. मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. सी, डेमोक्रेसी डजंट नेसेसरली एम एट स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. डेमोक्रेसी के अंदर इंडिविजुअल या सिटीजन हु आर एलिजिबल फॉर वोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, हेंस दे नीड टू बी स्ट्रेंथन, नॉट एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. राइट, तो यहाँ गलत हो गया. अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, it is not democracy, but yeah, activities of a superior individual can be used to strengthen democracy, but this he himself can't be a democracy. Then a band of dedicated party workers, it is a part of democracy but not democracy's superior virtue as the question asked. So, superior virtue kya hua? Intelligence and character of ordinary men and women. Right, coming to the next question, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सवाल फिर से चार्टर एक्ट के ऊपर. रेफरेंस टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द एक्ट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स. स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये जो प्रोविजन है जहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था, दिस वॉज मेड थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833, नॉट 1853. स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग. तो करेक्ट पूछा है, ए और बी एलिमिनेट हो गया. चलिए, द एक्ट सेपरेटेड for the first time the legislative and executive functions of governor general's council. Yes, ye statement correct hai. 1853 ke andar pehli bar legislative aur executive functions ko separate kiya gaya tha governor general council ke. Right, third statement says the act ended the activities of east india company as a commercial body which became a purely administrative body. राइट, अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये जो प्रोविजन था ये 1833 से किया गया. 1833 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. तो स्टेटमेंट नंबर थ्री भी गलत, टू एंड फोर आर करेक्ट. चौथा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फिर भी. The Act introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. Yes, we very well know Charter Act of 1853 के समय पे ही एक open competitive system आया था of selection and recruitment of civil servants, जिसको covenanted civil services कहा जाता था. It was thrown open for Indians also at that time. और Maculay Committee जो थी, Maculay Committee
जो इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर बनी थी इसको भी 1854 में बनाया गया था. तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आंसर इज 2 and 4 ओनली. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज द 9th शेड्यूल. द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई. इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सी 9th शेड्यूल है क्या, पहले तो ये याद रखिए. इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज दैट कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, राइट, एंड एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स. तो पहले तो ऐसे याद रखिए कि हाउ वॉज दिस शेड्यूल एडेड. तो इट वॉज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू हमने 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, विच ब्रिंग्स अस क्लोज टू द आंसर विच इज जवाहरलाल नेहरू. तो अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एंड सी नेहरू वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर ऑन द पर्पज बिहाइंड द फर्स्ट अमेंडमेंट. द स्टेट वॉन्टेड टू परस्यू नेशनलाइजेशन, टेक अवे लैंड्स फ्रॉम जमींदार्स, redistribute them and make special provisions for socially and economically backward. Lekin 2007 mein, in 2007, Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after 24th April 1973. After 24th April 1973, jo bhi laws is schedule ke andar aaye hain, they are open to judicial review. 2007 में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया. However, 24th April 1973 से पहले इस शेड्यूल में जो भी लॉज हैं वो जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू से परे हैं, उससे बाहर हैं. इसके बाद वाले जो भी लॉज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, राइट. सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. 25 questions, ह्यूजली एनालिटिकल एंड फैक्चुअल questions. ऐसे ही आगे फर्दर सीरीज चलेगी पॉलिटी MCQs की. लाइव सेशंस होंगे उसके एंड यू विल बी गिवन द नोटिफिकेशंस. सो थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट.